रुको आता हूँ, ये बंद कर, जा रहा हूँ। सो गाइस, कल के ट्रिप के लिए बाकी सब रेडी हो चुका है और एक DSLR वाली प्रॉब्लम थी जो कि मिल चुका है हम लोगों को, और मिलते हैं कल मॉर्निंग में। और मेरे साथ मेरा भाई राहुल आरटी, रॉकस्टार आरटी, और मैं आपका दोस्त नितिन गुप्ता, वर्सेटाइल नितिन। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में और फिर सफर को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। गुड नाइट। गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम प्रयागराज। दिस इज मी नितिन गुप्ता एंड वो वाचिंग वर्सेटाइल नितिन। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर 100% में से 5% लोग को ही पता है उस जगह के बारे में। और जगह का नाम है रिसियन आश्रम, और ये पड़ता है आपका बरहा कोटरा, एक छोटा सा गांव है। नेशनल हाईवे 30 की तरह जो हम लोग चित्रकूट जाते हैं, तो उसी जगह पर एक छोटा सा गाँव है, मऊ से 14 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, और प्रयागराज से 50-60 किलोमीटर है। और आगे की वीडियो में बताते हैं कि कैसा क्या सीन होने वाला है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की व्लॉग में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसा होने वाला है, क्योंकि मैंने भी आज तक मतलब ज़्यादा देखा नहीं उस जगह को। तो चलते हैं और देखते हैं। बस एक दो फोटो मैंने देखी तो यार प्लान हुआ कि चलो चलते हैं और एक्सप्लोर करके आते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने भैया प्रकाश भैया को लेने के लिए। तो लेट्स गो, चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, पेट्रोल वगैरह डल गया है और अब निकल रहे हैं राइड पे, तो सब कुछ रेडी है। सौरभ भैया रेडी हैं? पेट्रोल डल चुका है और पेट्रोल बहुत तेज डलवाया है भाई, तो इतनी तेज डाला है ना, मतलब 320 रुपए का डलवाया, और कब इसको 320 रुपए मैंने दिया है, कब एक सेकंड में 320 रुपए चला गया मेरा। हालांकि पेट्रोल पंप सही है, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती। हम चारों पुराने आर्मी चुके हैं, कमाल बताने वाले। जिंदगी का यह सफ़र कुछ इस कदर सुहाना होना चाहिए, सितम भले हो हजार, फिर भी अंदाज सायरा ना होना चाहिए। जी हाँ, आज का सफ़रनामा शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको यह ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो यार इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर अपडेट्स मैं वहीं पर देता हूँ। सो गाइस, अभी हूँ इरादतगंज में, और अभी इरादतगंज से 1 किलोमीटर आगे निकल गया था, बट आगे जाने के बाद सौरभ भैया ने बताया कि यहाँ पे एक स्वीट हाउस है, मकालू स्वीट हाउस करके, बहुत फेमस है, तो अभी वहाँ पर आया हूँ। तो हमारा दमालू और पकौड़ा आ चुका है, अबे अरे हवा चल रही है, और खा के बताते हैं कि कैसा है। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, और अगर जब भी आप इरादतगंज आइए तो मकालू स्वीट हाउस ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ का पकौड़ा और चाय भाई साहब एक नंबर था, मज़ा आ गया। जब भी आइए मकालू स्वीट हाउस ज़रूर आइए भाई, एक नंबर पकौड़ा और चाय था। और चलते हैं अभी लालापुर की तरफ, मंकामेश्वर मंदिर है वहाँ पर, चलते हैं आगे। चलें भाई, अपना स्पाइडरमैन, अपना स्पाइडरमैन। लालापुर मनकामेश्वर, लालापुर पुलिस स्टेशन, लालापुर मनकामेश्वर मंदिर, लालापुर। तो GPS हो गया है सेट, और हम लोग का प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। रिसियन न जाके हम लोग पहले जा रहे हैं लालापुर मनकामेश्वर मंदिर। वहाँ क्यों जा रहे हैं ये आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो गाइस, अभी हम लोग न्यू ब्रिज क्रॉस करके, गोरखपुर क्रॉस करके पहुँचे हुए हैं एक फ्लाईओवर के पास, जो कि ये फ्लाईओवर है जो जाएगा कोयटी वाटरफॉल, बहुती वाटरफॉल, टोंस वाटरफॉल, चचई वाटरफॉल, आपको कोई भी वाटरफॉल जाना आप इस हाईवे से जाओ। अगर आपको चित्रकूट जाना है तो आपको ये शंकरगढ़ वाली रोड से जाना पड़ेगा, सेम रूट है। तो मैं ज़्यादा रूट इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि सेम रूट हर व्लॉग में हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता यार हमेशा वही रूट दिखाना, तो मज़ा नहीं देता। तो रूट इस बार जहाँ से चेंज होगा मैं वहाँ से दिखा दूँगा आपको। तो मिलते हैं आगे। ओके, सो 40 किलोमीटर राइड के बाद प्रयागराज से मैं पहुंच चुका हूं लालापुर, और अभी भी यार मनकामेश्वर मंदिर यहां से 10 किलोमीटर और दूर है। और यार बात करें आज के मौसम की, तो यार ठंड बहुत है, फॉग उतना दिख नहीं रहा है लेकिन ठंड है। मैं कैसे बाइक चला रहा हूं यार मैं ही जानता हूं। वैसे तो मेरा घर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार जिस ठंड से मैं इतना दूर भाग रहा हूं, उसी ठंड को कुछ महीने बाद गर्मी में पैसे खर्च करके यार घर लाना पड़ता है,
और बस यही सोचकर मैंने बाइक उठाई और निकल पड़ा राइड के लिए। वंस अगेन आई फाउंड अ डेड स्नेक, और ये वही है इंडियन रेड स्नेक जो नॉर्मली मिलते हैं तुम्हें खेतों में और खलियानों में। भाई मेरे जरा सी स्पीड कम करके चलो, और ये लोग भी रोड क्रॉस करते हैं, इन्हें भी अपने इलाके इधर उधर जाना रहता है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट प्लीज ऑडियंस, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। हर रात को आप आएंगे ना बहुत ही लो तुम्हारी वीडियो आ गई इंटरनेट पे देखना यूट्यूब पे। सरदार यार ये लोग तो भाग रहे हैं, मैं इनके जितना भी पास जा रहा हूँ ये लोग और दूर चले जा रहे हैं। पुरानी है प्राचीन समय के भूतेश्वर नाथ के नाम से पहले रही है भूतेश्वर नाथ। हाँ पुराण में लिखा 70 पेज दो हमा। अच्छा मानो प्रयागराज स्थित जमुना के किनारे माने दक्षिण तट पे स्थित प्रयागराज भूतेश्वर नाथ या मनकामेश्वर नाम नागा बाबा मेन मनकामेश्वर मंदिर यही है ना, प्रयागराज में भी है ना मनकामेश्वर मंदिर, यही पहले था यही के नाम से वहाँ बना। अच्छा ये पहले मैं पहुंच चुका हूं लालापुर मनकामेश्वर मंदिर में, और वैसे तो कोई प्लान नहीं था यहां आने का, डायरेक्ट हम लोग प्रयागराज से ऋषियन आश्रम ही जाने वाले थे, बट बाद में प्लान बना कि चलते हैं लालापुर मनकामेश्वर मंदिर है, बहुत ही पुरानी यहां का मनकामेश्वर मंदिर है, तो शंकर जी का शिवलिंग है यहाँ पर, तो चलते हैं अंदर देखते हैं। और मैं आपकी यहाँ पर एक ख़ास बात बता देता हूँ कि जो हमारे प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर है वो उतना पुराना नहीं जितना पुराना ये है। तो सबसे पहले मनकामेश्वर मंदिर यहाँ पे ही था लालापुर में, फिर इसके बाद प्रयागराज में आया है मनकामेश्वर मंदिर, तो बहुत ही पुराना यहाँ का शिवलिंग है शंकर जी का। भाई ये मतलब कुछ अलग ही सीन हो गया, मतलब अनरेटेड प्लेस था बट इतना ज़्यादा अनरेटेड कि मुझे खुद नहीं पता था, बहुत से लोग हैं कि जिनको ये मंदिर नहीं पता है। डर लग रहा है यार, भागो नहीं पाएंगे यहाँ पे हम तो। जो शिव पुराण है, शिव पुराण में उल्लेख में दिया है,
शिव पुराण में। अच्छा, ये भूतेश्वरनाथ के नाम पर है। अच्छा, भूतेश्वरनाथ में शिव पुराण में। अरे यहाँ की ब्रांच वहाँ है ना, जो आपके पुराने पुल के बगल में। हाँ, नए पुल के बगल में, वो भी यही की ब्रांच है, छोटे हैं ये, बड़े हैं, अपने यहाँ पुराना है ये। अच्छा अच्छा, तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, सौरभ ऊपर गया, मैं उसको दो बारी फ़ोन कर चुका हूँ, उसका फ़ोन लग नहीं रहा है। ये बंदा पता नहीं कहाँ छोड़ के चला गया। भाई साहब इतने ज़्यादा बंदर, इतने ज़्यादा बंदर हैं, नहीं हो रही है। अगर मतलब अगर किसी एक ने भी अटैक कर दिया ना, तो बाकी सब जितने रहेंगे सब के सब हमारे पे अटैक करेंगे। एक मिनट कॉल आया। क्या है ना कि मतलब बंदरों का जो सौरभ कॉल, क्या हो गया? अबे यहां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऊपर मतलब चारों तरफ झाड़ियों के बीच हूं मैं, और मतलब ये चबूतरा है ना, चबूतरे की किस साइड मुझे नीचे उतरना समझ ही नहीं आ रहा, और मुझे मंदिर भी नहीं दिख रहा भाई। देखो तुम्हारे सामने एक मिनट, देखो देखो सूरज, सूरज सूरज देख रहे हो ना, उसी की डायरेक्शन में बढ़ते जाओ, उसी की डायरेक्शन में बढ़ोगे तो तुम्हें मंदिर की टिप दिख जाएगी। अच्छा ठीक है, वेट, इतने सारे बंदर अगर एक भी अटैक कर दिया ना, तो बाकी सब अटैक कर देंगे, और नंगे पैर कांटे बहुत ज्यादा यहाँ पे चुभ रहे हैं पैरों में। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये चलो चलते नितिन। अरे बंदर का कह रहे हैं बहुत सारे बंदर, बहुत सारे बंदर है मेरे भाई, बहुत सारे, इतने भी अटैक किया, तुम पता नहीं कैसे ऊपर चले गए। चलो ठीक है, आता हूँ मैं। ठीक है, रुको रुको, आता हूँ, ये बंद कर, जा रहा हूँ। तो गाइस अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम लोग आगे जा रहे थे, बट यहाँ पे इतने सारे बंदर हैं, मतलब जगह जगह पर बंदर बहुत सारे हैं, और डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग अटैक कर दें हम लोग के ऊपर। और सौरभ भैया तो मतलब जब हम लोग मंदिर में थे हम तीनों लोग, तो सौरभ भैया जल्दी से ऊपर आ गए, और ऊपर जाने के बाद वो रास्ता भी भूल गए हैं कि किधर जाना है, और कॉल करके बताया जा रहा है, लेकिन उनका वो कह रहे हैं कि चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिख रही हैं, और रास्ता उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पर है, और नीचे उतरना कैसे, नीचे आना कैसे है। मंदिर ये रहा पीछे, और ये देख सकते हो मेरे भाई साहब, ये देखो व्हाट्सएप लोकेशन 100 मीटर में वेरी नहीं करती, समझ रहे हो, 100 मीटर वेरी नहीं करती मेरे भाई। कब और जगह जगह पर ये बंदर आप देख सकते हो, इसको जान रहे हो, ये मेटिंग सीजन है ना भाई, मतलब खतरनाक सीन हो गया है। सौरभ भैया भी फंस गए हैं, आँख नहीं मिलाना, आँख नहीं मिलाना, आँख मिलाने का मतलब है मैं उसे चुनौती दे रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, सुनिए सौरभ, बात करो, ये बात करिए, सुनो। हेलो, तुम्हारे फ़ोन में कंपास है? हाँ नहीं नहीं, यहाँ तक काटे ये भाई साहब, सौरभ भी आ गए फाइनली। तुम्हें अकेले नहीं जाना था यार, आइए आइए, अकेले सर्वाइवल करते हुए। नहीं कोई भैया वापस आ गए, बंदर अंदर में वहां पे मोर बंदर बगल में, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा यार भाई, नीचे नीचे की तरफ चले गए आप, साउथ ईस्ट 130 डिग्री। भाई साहब अभी मैं गया था ऊपर, नज़ारा कुछ खास नहीं था, लेकिन ऊपर का जो एडवेंचर हुआ है, मैं पहुंच गया था पहाड़ी के दूसरे साइड, और वहाँ इतने कांटे कांटे मेरे ऊपर, मतलब मेरा पूरा शर्ट फंस गया था कांटों से, कांटों का मतलब चारों तरफ मेरे कांटे थे,
और ऊपर का जो एक्सपीरियंस था मैं रास्ता ही भूल गया था भाई साहब। ये पैर की हालत बहुत खतरनाक हो चुकी है। और एनी हाउ आई केम हियर, मैंने मंदिर देखा फिर मंदिर की डायरेक्शन में बढ़ता चला गया भाई साहब। मैं बताया ना तुम, अरे ये बंदर बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे, खतरनाक रूट है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट, अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा वरना बहुत गलत सीन हो जाएगा आपके साथ। ये भाई साहब मतलब अलग ही सीन है भाई, कहीं टिक के बैठे थे। हाँ कांटे झाड़ियों के बीच आ गए थे, पूरा कांटा भाई साहब, बड़े बड़े कांटे घुस जाए तो मतलब पेट के अंदर चले जाए। अरे ये सोचिए, अच्छा वो कोई शेर नहीं मिला, शेर नहीं मिला। और आप अगर यहाँ पर आ रहे हो तो प्लीज़ ऊपर जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आपने देखा अभी कि कैसा सीन हुआ है सौरभ भैया के साथ, वो खड़े हैं, बहुत ही गंदा वाला सीन हुआ है उनके साथ यहाँ पर जाकर। ऐसा मतलब वो पहाड़ के दूसरे साइड बिल्कुल चले गए थे, हम लोग भी जाने वाले थे बट गया नहीं भाई मैं, खतरनाक सीन हो जाता फिर। तो अब निकलते हैं ऋषियन आश्रम के लिए जो कि हमारा अब सेकेंड डेस्टिनेशन बन चुका है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे क्या है। और नीचे आने के बाद अभी पता चला कि ये शिवलिंग इतना ज़्यादा मतलब कि एक भैया थे उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था तो बहुत छोटी ये मंदिर थी और आज मैं मतलब जैसे कि इंसान की हाइट बढ़ती है ना वैसे वैसे इस शिवलिंग की हाइट बढ़ती है। तो मतलब यार बहुत ही अपने आप में एक मंदिर ये है, इसलिए मानना पड़ेगा। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऋषियन आश्रम, लेट्स गो। सो गाइस वीडियो करता हूँ एंड, और आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करिए, फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करिए और यहाँ पर ज़रूर आइए, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। और यार भूल से भी ऊपर मत जाना मंदिर के वरना यार देखा ही था हम लोग का क्या हाल हुआ था अभी। और मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट टू के साथ, और आइए आप सबको पार्ट टू के कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। बचपन में करता था, आज ट्राई करके देखता हूँ घूमता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने यहाँ पर एक अजगर छोड़ा था। मेरे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।